भी समाज को नापने का पैमाना ये होता है कि वो समाज अपने साहित्यकारों, अपने कलाकारों, अपने लेखकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर वो अपने साहित्यकारों का सम्मान करता है, रचनाकारों का सम्मान करता है, तो वो सभ्य समाज कहलाता है। लेकिन अगर वो उन्हें अपमानित करता है, उनकी अनदेखी करता है, उन्हें इग्नोर करता है, तो समाज ज्यादा देर बचता नहीं और कम से कम उस समाज को सभ्य समाज नहीं कहता। निडर फिर भी शालीनता पूर्ण शब्द हैं भारतीय राजनीति में अमिट छाप छोड़ने वाली उस महिला के, जिनके नाम का समापन मां शब्द से होता है, सुषमा। अपने चार दशकों से अधिक के सार्वजनिक जीवन में वाणी में मधुरता, विचारों में दृढ़ता, समस्याओं का तलस्पर्शी आकलन और अदम्य उत्साह इनकी कार्यशीलता की पहचान रहे हैं। और सुषमा जी की सर्वपृथक लाक्षणिकता यानी स्वाभिमान, स्वयं के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए और नारी आंदोलन के नारे लगाए बगैर स्त्री जाति के लिए, और हाँ, कहीं भीतर सृजनशील नागरिकों के लिए, लेखक कलाकारों के लिए, असंभव शब्द के प्रति उन्हें सकारात्मक तिरस्कार था। असंभव इसलिए कि जिस कॉपीराइट विधेयक का श्रेय उन्हें दिया जाता है, उसका परिचालन उन्होंने प्रतिपक्ष में रहते हुए किया और एक सशक्त जनतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया। कला और सिनेमा के क्षेत्र में उनके इस योगदान के लिए कलाकारों की पीढ़ियां उनकी आभारी रहेंगी। मुझे प्रदीप सिंह की चिट्ठी, ये पत्र जिसके दो एक बातें मैं लिखकर आपको बताती हूँ। श्री जावेद अख्तर साहब से ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको हमारा गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता पसंद आया, पर आपको जानकर निराशा होगी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, में मन के विश्वास के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं मिला। आर्थिक दृष्टि से हमें फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुई। म्यूजिक कंपनी ने तो इस गीत को लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। बड़ी मिन्नतों के बाद मात्र 15,000 में पूरी फिल्म का संगीत प्रोड्यूसर से खरीदा गया और प्रोड्यूसर ने अपने बाकी खर्चे बताकर हमें तुच्छ सी रकम से भी वंचित कर दिया। किसी भी देश में इस प्रकार का इकलौता कार्य भी कलाकार को आजीवन जीविका देने में सक्षम होता है। हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ, आज ये बिल पारित होगा तो वो गिला दूर होगा। सरकार चेती है, दोनों सदन चेते हैं। बहुत दिन से जो अपनी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति थी जो नहीं निभा पा रहे थे, आज चेत कर उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम खड़े हुए हैं। इस देश में 40 वर्षों से ये मांग हो रही थी कि फिल्म को इंडस्ट्री घोषित करो, क्योंकि फिल्म को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था। अंडरवर्ल्ड के शिकंजे में थी फिल्म। जब मैं 1998 में सूचना प्रसारण मंत्री बनी तो फिल्म निर्माताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुझे मिलने आया और उन्होंने कहा कि 40 साल से ये मांग कर रहे हैं सुषमा जी, क्या आप ये कर सकेंगी। मैंने उन्हें 3 महीने का समय दिया था और कहा था तारीख तय कर लो, 3 महीने बाद आप फंक्शन करना और मैं गजट नोटिफिकेशन साथ लेकर आऊंगी, फिल्म को इंडस्ट्री घोषित कर। इतना ही नहीं, बीजेपी के लिए जटिल माना जाने वाला दक्षिण का द्वार खोलने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश मंत्री के कार्यकाल में भारतीय संस्कृति की संवेदनशीलता का परिचय विश्व को दिया। सर्वे सुखिनः, सर्वे संत निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। उसका अर्थ है सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी अपने इर्द-गिर्द अच्छा ही अच्छा देखे, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो। नमस्कार।
मैं हरीश बिनानी, अनुष्ठान की तरह मैं हर कार्य करता हूं, मेरा स्वभाव है पहले प्रणाम करता हूं। स्वागत है आपका क्रिएटिव्स कलेक्टिव ट्रस्ट के उपक्रम नेशन फर्स्ट कलेक्टिव द्वारा आयोजित संस्कार भारती पूर्वोत्तर तथा संस्कृति गंगा न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत सुषमान जली पीर पराई जाने रे, यानी एनएफसी के माध्यम से, नेशन फर्स्ट कलेक्टिव के माध्यम से देश भर के कला साहित्य संगीत नृत्य एवं सिनेमा कर्मियों की ओर से हार्दिक कृतज्ञता की अभिव्यक्ति। देवी और सज्जनों, कर्मयोग में कहा गया है कि जो काम केवल स्वार्थ के लिए होता है वो अपूर्ण होता है, उसे चाहे फल प्राप्त हो पुण्य नहीं, वो कर्म कल्याणकारी नहीं होता। श्रीमती सुषमा स्वराज के कल्याणकारी कर्मों के स्मरण का ये अवसर है, उनके समाज और देश को समर्पित कर्म का ये उत्सव है। देवी और सज्जनों, आभासी दर्शक दीर्घा वर्चुअल गैलरी खचाखच भरी हुई है। अभी अभी मुझे संदेश मिला कि अभी अतिरिक्त एंट्री की जगह नहीं है, लेकिन धीमे धीमे तकनीकी रूप से एंट्री बनाई जाएगी। यहाँ उपस्थित हैं कला क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति, इनमें से न जाने कितने राष्ट्रीय और पद्म पुरस्कृत व्यक्ति हैं और कितने हैं जिनकी प्रतीक्षा में स्वयं पुरस्कार हैं। हमारे मुख्य अतिथि हैं देश में कला और माध्यमों के सर्वोपरि सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके लिए हम प्रतीक्षारत हैं। मैं सामने देख पा रहा हूं स्वयं बांसुरी स्वराज जी को, द ग्रेट शोमैन सुभाष घई, कुलदीप सिंह जी, प्रसून जोशी जी, द पोएट आई सो एडमायर, अनूप जलोटा जी। दिव्य सज्जनों, भजन यानी भगवान से वार्तालाप करने की भाषा, और पद्मश्री अनूप जलोटा यानी उस वार्तालाप में निहित गूढ़ार्थ को आसान और भावपूर्ण बनाकर उजागर करने वाले भजन सेवक। सेवक इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें सम्राट कहलवाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके अनुसार अपना तो कुछ भी नहीं, सब कुछ लिया उधार, लोहा उस लोहार के अपनी केवल धार। देवियों सज्जनों, शुभारंभ करते हैं पद्मश्री अनूप जलोटा के शुभ्र स्वर से। आदरणीय सुषमा जी से कई बार भेंट हुई और मैं बहुत प्रभावित होता था उनसे मिलकर। बड़ी स्पष्ट वक्ता थी, जो बोलती थी बहुत स्पष्ट बोलती थी, जो बात कहती थी उसकी गहराई तक पहुंच जाती थी और वो बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती थी। देश की बहुत सेवा की उन्होंने, हम कलाकारों के लिए भी उनके हृदय में एक विशेष स्थान था। तो मैं जो रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे श्री कुलदीप सिंह जी ने संगीतबद्ध किया है, जो आज यहां इस सभा में उपस्थित है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सुषमा जी की ये बहुत प्रिय रचना है, बहुत पसंद करती थी ये गाना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि यहाँ क्या है अर्पण, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि यहाँ क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटी सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये प्रार्थना किसी देवी देवता के लिए नहीं थी, ये सिर्फ सर्वशक्तिमान के लिए थी, और ये थी अपने में निहित शक्ति को उभारने के लिए। दिव्य सज्जनों, कुछ अरसे पहले ये देश चिंतित था कि वी शांताराम, महबूब, बिमल रॉय, बी आर चोपड़ा की श्रृंखला में संदेशात्मक फिल्में आगे कौन बनाएगा, लेकिन तब उभरे मधुर भंडारकर, जिनकी फिल्में ज्वलंत सामाजिक विषयों पर आधारित होती हैं, यथार्थवादी हैं, रियलिस्टिक हैं, फिर भी व्यापारिक रूप से सफल और उतनी ही रोचक। देवी और सज्जनों, 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से विभूषित लेखक, निर्माता, निर्देशक, पद्मश्री मधुर भंडारकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुर भंडारकर। आज सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि के दिन हम उन्हें याद करते हैं। मुझे कई बार मौका मिला सुषमा जी दीदी से बात करने का, चाहे वो मुंबई में हो, दिल्ली में हो। मुझे याद है 2003 में मेरी फिल्म आन मैन एट वर्क का मुहूर्त था मुंबई में, तो स्पेशली दिल्ली से वो आई थी मुंबई में उस पिक्चर का क्लैप देने के लिए। उन्हें हमेशा जब भी मिला वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही इनकरेज करती थी फिल्मों को लेकर। हमेशा जब भी फिल्में देखती थी मुझे फ़ोन करती थी कि मधुर तुमने ये फिल्म देखी अच्छी लगी और इसी तरह का तुम फिल्म बनाओ। हमेशा एक इनकरेजमेंट उनकी तरफ से रहता था। आज सुषमा जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनका योगदान, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन समाज के हर तबके के लिए हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। वी मिस यू सुषमा जी। ओम शांति। धन्यवाद मधुर जी। अब कुछ ही पलों में एक सुपरस्टार,
And the age of this superstar we are going to meet is approximately 720 months. And he has acted in more than 340 films. Mark the statistics. More than 340 films, recorded some 31 songs, produced and distributed a number of films that defy arithmetic. And he's still considered a thinking actor looked forward to. Quite simply, a doyen. Padma Bhushan Mohanlal. Devyo Sajjano Mahavyaktitva Mohanlal. Sushma Swaraj was instrumental in declaring filmmaking an industry within 3 months of her becoming IMD minister. She also supported the Copyright Amendment Bill 2012, which was a boon to eminent artists for their original work by imposing a ban from bringing cover versions of any literary, dramatic or musical work for a defined period of time. She was a digital-friendly foreign minister of India. She was a role model for young women who cherished girl power. She will be ever remembered by India as a people's politician, an inspiring leader and a wonderful human being. A big salute to the blessed soul of Sushma Ji. Jai Hind. सुषमा जी के जीवन की महत्वपूर्ण झलकियां इसमें, जिस कंपोजर की बात की गई, कुलदीप सिंह जी, जिनकी वजह से फिर आगे कई इकदाम उठाए गए, आगे कई चरण इस बिल के, विधेयक के की दिशा में उठाए गए, वो कुलदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। कुलदीप सिंह जी, एन एरुडाइट म्यूजिक डायरेक्टर। नमस्कार। मैं ज्यादा कुछ कहते ना कहते हुए सुषमा जी का वो पत्र जरूर पढ़ना चाहूंगा जो उन्होंने मुझे लिखा था। सुषमा स्वराज, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा, 18 अप्रैल 2011। प्रिय कुलदीप जी, आपका पत्र मिला। जावेद अख्तर साहब ने जो बातें बताई थी उनकी पुष्टि आपके पत्र से हुई। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कॉपीराइट बिल जब भी संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, हमारी पार्टी अपना पूर्ण समर्थन देकर बिल को पारित करवाएगी और आप जैसे कलाकारों को न्याय दिलाने की दिशा में अपनी भूमिका निभाएगी। आपका ये गीत इतनी शक्ति हमें देना चाहता, मन का विश्वास कमजोर होना मेरा बहुत ही प्रिय गीत है। इस गीत की लोकप्रियता इससे प्रमाणित होती है कि इस गीत की रिंगटोन बनी है और अधिकतर लोगों ने अपने मोबाइल पर लगा रखी है। आप भी अपने मन का विश्वास कमजोर न होने दीजिए, ईश्वर पूरी तरह आपकी सहायता करेंगे और इस बिल के पारित होने के बाद अभी तक कलाकारों के साथ हो रहा अन्याय समाप्त हो जाएगा। सद्भावना से शुभेच्छु सुषमा स्वराज जी। और बस इतना कहूंगा कि बिल तो पारित हो गया, अगर सुषमा जी अभी हमारे बीच में होती तो हम पर अब भी जो अन्याय हो रहे हैं, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि बिल तो पारित हो गया लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। सुषमा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। अगर आप कुछ देर और रहते हमारे साथ तो शायद हमें ये दिन न देखने पड़ते। आपकी स्मृति को नमन करता हूं। कुलदीप जी, धन्यवाद। आपने सटीक शब्दों में कहा कि सरकार ने, शासन ने अपना काम कर लिया है, अब जरूरत है कि वो आगे बढ़ाया जाए, उसका कार्यान्वयन किया जाए इफेक्टिवली, और उसके लिए शायद अब हमारी तरफ हमें ही देखना है, हमें अपने गिरेबान में झांकना है, हमें एकता दिखानी है। इस समय जो एक दीवार सी चुनी जा रही है, उस दीवार को दोनों तरफ से गिराना है। और जहां तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सवाल है, हमें एक होकर चलना है। धन्यवाद।
प्रसून जोशी नामक एक कवि को सुनकर ये मानना मुश्किल गुजरता है कि इस व्यक्ति ने साहित्य में पदार्पण करने से पूर्व दर्शन के विषय पर 20 वर्ष के होते होते पुस्तकें लिखी। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ माइंड सर्चिंग फिलोसफी बिफोर विद इन इन हिज टीन्स, लेकिन ये असंभव भी नहीं लगता क्योंकि उन्होंने अपने आप को कला क्षेत्र को समर्पित करने से पहले विज्ञान की तलस्पर्शी पढ़ाई की और फिर मार्केटिंग और प्रबंधन की पढ़ाई ने उनकी लेखनी को और पुख्ता बनाया। हर चरण पर उनकी साहजिक संवेदनशीलता उनकी मार्गदर्शक बनी रही। देवी और सज्जनों, पद्मश्री प्रसून जोशी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये एक ऐसा दिन है जब बहुत कुछ कहने का मन है और कुछ भी नहीं कहने का मन है। सुषमा जी के बारे में आपने अभी उनका एवीवी देखा, कुलदीप जी ने बात, कॉपीराइट के जो संशोधन बिल जो सामने आया था उसमें उनकी भूमिका हम सभी को पता है। हम सब उनके पास गए थे, मुझे याद है, मैं उनसे मिला था और जावेद साहब थे, कुलदीप जी थे, हम लोग, और जिस संवेदनशीलता से उन्होंने बात को सुना था, मुझे पहले से भी अनुभव था, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ था कि सुषमा जी, क्योंकि वो कविताओं की बहुत प्रशंसक थी, कविताएं मेरी बहुत पसंद करती थी, और वो इसलिए पसंद नहीं करती थी कि उनके सामने एक कलाकार बैठा है तो उसकी तारीफ करनी ही है और उसको वाह वाह कह देना चाहिए। जिस कविता को वो पसंद करती थी वो फॉलो अप करती थी कि वो मुझे भेजी नहीं तुमने कविता, वो अभी तक मेरे मन में गूंज रही है। और ऐसा कमिटमेंट जो था उसमें कोई बनावट या दिखावट नहीं थी, उसमें कोई राजनीति नहीं थी, उसमें विशुद्ध कविता के प्रति प्रेम था। और मुझे लगता है कि उनके अंदर एक जीवन के प्रति काव्य दृष्टि थी। देयर वाज अ फिल्टर ऑफ पोएट्री इन हर लाइफ। शी यूज्ड टू लुक एट लाइफ थ्रू अ पोएटिक वेंटेज पॉइंट। और उससे क्या होता है कि बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं, खुद ब खुद आपके अंदर कंपैशन आने लगता है। वो सब सुषमा जी के जीवन में परिलक्षित होता था, उनके हाव भाव में, जिस तरह वो बात करती थी, सो अप्रोचेबल वो थी। लेकिन उनकी कविता जो थी वो हमेशा यथार्थ के धरातल से उपजी हुई कविता होती थी। मैंने देखा था उनको जो एक पोएटिक कमिटमेंट है वो भी वो ढूंढती थी। अगर हम इस पर चर्चा करें तो घंटों कर सकते हैं। मैंने देखा उनको किस तरह की कविताएं ज्यादा पसंद आती थी। कहीं एक ऐसा काव्य जो किसी धरातल से उपजा हो। मुझे याद है ये कविता, मैं पढ़ना चाहूंगा कि मैं आखिरी कविता जो मैंने उनको सुनाई थी और मेरी नई रचनाओं में से एक थी और उन्हें बहुत अच्छी लगी थी और कहीं ना कहीं उनके स्वभाव को, उनके चरित्र को भी परिलक्षित करती है शायद। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, उसी नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। तने तने से क्यों हो वृक्ष टूट जाओगे, तने तने से क्यों हो वृक्ष टूट जाओगे, जितना झुकना तुम सीखोगे उतने ही तुम लहराओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, तुम तक पत्थर आते हैं, तुम तक पत्थर आते हैं, सौभाग्य तुम्हारा। तुम कुछ दे सकते हो ऐसा भाग्य तुम्हारा, यदि तुम पर यौवन आएगा पुष्प खिलेंगे, यदि तुम पर यौवन आएगा पुष्प खिलेंगे, तभी एक दिन महकेगा वैराग्य तुम्हारा। शुष्क शुष्क से क्यों हो वृक्ष मुरझ जाओगे, शुष्क शुष्क से क्यों हो वृक्ष मुरझ जाओगे, जितना अश्रु नहाओगे तुम उतने ही खिलते जाओगे।
जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है, जड़ के बिना कहां चेतन तुम हो सकते हो। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है, जड़ के बिना कहां चेतन तुम हो सकते हो। चुप हो जाना और चुप रहना अलग अलग है, शब्द बिना तुम अर्थहीन हो खो सकते हो। सिमटे सिमटे क्यों हो वृक्ष, सिमटे सिमटे क्यों हो वृक्ष, बिखर जाओगे। ये शाखाएं नृत्य करेंगी, ये शाखाएं नृत्य करेंगी हवा से जब तुम बतियाओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष, सूख जाओगे। जितनी गहरी जड़े तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। मैंने ये कविता उन्हें सुनाई थी और उनको इस कविता में जो मैंने धरती के अंदर उतरने की बात की उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने वापस फोन करके मुझे फिर से कहा कि मुझे बहुत सुंदर ये रचना लगी, मुझे भेजो। और उनका ये कमिटमेंट मैंने मॉरिशस में भी देखा और मॉरिशस के समय वो बहुत स्वस्थ नहीं थी और मेरा जो काव्य पाठ था वो थोड़ा लेट था और मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं पहले कर देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिलसिलेवार सुनना है, मुझे सब कुछ सुनना है और तुम्हारा तुम जहाँ आ रहे हो वहीं आओ प्रसव। और मैं मैंने देखा कि वो बैठी रही पूरे समय। ये कमिटमेंट था, ये कोई किसी और वजह से नहीं था, ये उनकी एक स्वतः स्फूर्त उनके अंदर एक प्रेम, काव्य प्रेम था, उसके लिए वो करती थी और कोशिश करती थी कि पूरा सपोर्ट दें। वो जाकर रजिस्टर करती थी हमारी प्रॉब्लम्स को और उन पर काम करती थी। तो मुझे लगता है एक सुलझी हुई सोच जो थी उनके अंदर और एक अनुभवी जीवन दृष्टि जिसे हम बहुत मिस करते हैं और करेंगे। बांसुरी जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आमंत्रित किया आज इस, और मैं वैसे भी ढूंढ कर आ जाता अगर आप मुझे आमंत्रित नहीं करती, क्योंकि सुषमा जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था, उनका इतना प्रेरणा उनसे हमें मिली है हमेशा। गॉड ब्लेस हर, ईश्वर उनको जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। प्रसून जी इतना अच्छा बोलते हैं, मन से बोलते हैं, मस्तिष्क से बोलते हैं। एक बड़ी मुश्किल है, हम नहीं चाहते कि कोई लंबा पूर्ण विराम आए, कि वो अपनी वाणी को विराम दें। वो बोलते रहें, हम सुनते रहें, गुनते रहें। दिव्य सज्जनों, हमारे बीच आदरणीय मंत्री जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी जावड़ेकर जी पधारे हैं अपनी बहुत व्यस्तता के बीच। हम जल्द ही उन्हें सुनेंगे। मंत्री जी, आपके बारे में मैं कहना चाहता था कि सूचना प्रसारण मंत्री जी को कौन नहीं जानता, लेकिन उनको लेकिन हम नहीं जानते कि उनको नजदीक से जानने वाले लोग उन्हें मित्र मंत्री कहते हैं। वो उनका स्वभाव भी है, वो उनकी कार्यशैली भी है, क्योंकि किसी भी समस्या को और समस्या लाने वाले को वो मित्र भाव से देखते हैं, सहजता से उस समस्या का समाधान करते हैं और अगली समस्या ढूंढते हुए निकल जाते हैं। स्मित चेहरे पर वही रहता है। देवी सज्जनों, हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री, एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। मुझे अभी विश्वास ही नहीं होता कि सुषमा जी हमारे में नहीं है। सुषमा जी हमारे 40 साल की सहयोगी थी। 1980 में जब वो पार्टी में आई तब हम युवा मोर्चा का काम करते थे, तब वो 11 अशोक रोड पे आती थी, सबसे रूबरू होती थी, उनके भाषण तब भी प्रसिद्ध थे और वो ओजस्वी वक्ता के रूप में पहला परिचय हुआ। लेकिन जब ज्यादा परिचय हुआ तो समझ में आया कि उसमें बखूबी इंसान बैठा है और वो बेहद इज्जत करती थी अपने मित्र परिवारों में और सब में,
मेरे घर तो विशेष स्नेह मिला, मेरे परिवार पूरे परिवार के साथ वो घर में आती थी। मालूम नहीं होगा अनेकों को, वो बहुत अच्छा गाती भी थी और गाने गाती थी। बाकी भी गप्पे बहुत लगाती थी, उसको आनंद आता था। एक जिंदा दिल व्यक्ति, और इसलिए मैंने कहा विश्वास नहीं होता कि सुषमा जी नहीं है, लगता है कि अभी बोलेगी। भाषा पर इतना उनका प्रभाव था। मैं जब प्रवक्ता बना तो वो हमेशा मुझे इतना ही बताती थी कि शब्दों का समुचित उपयोग कैसे करना है और शब्दों को सार्थ रीति से कैसे सामने पेश करना है। वो कर्नाटक में जब बेल्लारी से लड़ी तो इतना कन्नड़ अच्छा बोलने लगी, और वो फॉर्मेलिटी नहीं थी तो भाषा ग्रहण का उनको एक विशेष अंग था। तो ये आयाम भी उनके जीवन में था। प्रखर वक्ता थी ही, लोकसभा में हो राज्यसभा में हो, और पब्लिक मीटिंग्स में हो, उनके भाषण के लिए लोग आतुर रहते थे, सुनते थे। अभी तेलंगाना का निर्माण जब होने वाला था तो भारतीय जनता पार्टी ने भूमिका ली थी तेलंगाना के पक्ष में, मैं वहां इंचार्ज था। तो मैं विषय वो राज्यसभा में रखता था, सुषमा जी भी सदन में लोकसभा में ये विषय रखती थी। बहुत आक्रामक रीति से उसने तेलंगाना का पक्ष ऐसा रखा कि तेलंगाना के सभी लोगों के हृदय में वो घर कर बैठी। तो एक ऐसा सबको प्यार बांटने वाली, सबको प्यार से बात करने वाली और अपनी राय बेबाकी से बताने वाली, ऐसी हमारी छोटी बहन नहीं रही। पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार एक के बाद एक अरुण जी, सुषमा जी, अनंत कुमार जी, अटल जी, ऐसे हमारे सभी प्रमुख नेता हमें छोड़कर चले गए। तो निश्चित रूप से मैं इतना ही कहूंगा मेरी आदरांजलि देते हुए कि बासुरे ने बहुत आज अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसे प्रसून ने कहा वही मैं कहूंगा कि अगर न बुलाते तो भी हम सुनने के लिए आ ही जाते। और वो सूचना प्रसारण मंत्री रही, फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया, तो मेरे लिए तो वो आज भी मेरी गाइड है और हमेशा बनी रहेगी। इतना ही मैं कहूंगा और मेरी भावभीनी आज सुषमांजलि। देवी और सज्जनों, अल्पायु में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों से सम्मानित अभिनेत्री पद्मश्री कंगना राणावत। प्रकाश सर, माननीय महोदयगण, प्रसून सर, सुभाष जी और बांसुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज इन सब महान लोगों के साथ इस श्रद्धांजलि का हिस्सा बन सकूं। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी इतना अर्न किया है कि मैं आज, पर फिर भी आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और इतनी अच्छी मेरी इंट्रोडक्शन दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी को जैसे मैं जानती हूँ, जैसे मैं पर्सनली उनको समझती हूँ, जिस तरह से देखती हूँ,
मुझे पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हीरोइक काम किए हुए हैं, ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन कि जो हमारे दिलों में छवि है, जिस तरह से एक सुपर ह्यूमन को हम देखते हैं कि केप के साथ, उन्होंने बिना किसी केप के या बिना किसी महिला सशक्तिकरण के नारों के बिना उन्होंने जो रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं, जो उन्होंने बिल पास करवाए हैं, जो उन्होंने इंडस्ट्री को माफिया के हाथों से निकलवाया है, किस तरह से इंडस्ट्री का स्टेटस दे के उनको लोन्स नहीं मिल, कहना चाहूंगी कि मेरे लिए एक एज अ यंग वूमन ये बहुत ही बड़ी वो प्रेरणा का स्रोत है कि एक ऐसी महिला जो राजनीति जैसा एक करियर, अभी आज हम जानते हैं कि चाहे फौज हो या राजनीति हो, ये कुछ ऐसे करियर्स हैं जो बहुत ज़्यादा वुमेन फ्रेंडली नहीं हैं, उसके कई रीजंस हैं, सिर्फ पेट्रियार्की या सिर्फ रूढ़िवादी सोच ही नहीं है, उसके कई रीजंस हैं। ऐसे करियर में उन्होंने 40 साल से ज़्यादा, 4 दशक से ज़्यादा का उनका एक पूरा करियर रहा, और उसमें उन्होंने जो सफलता पाई और जिस बैकग्राउंड से वो थे, हमने राजनीति में देखा है, चाहे इंदिरा गांधी जी हो और भी दिग्गज हैं हमारे, या जयललिता जी हो, वे हाई प्रोफाइल फैमिलीज या हाई प्रोफाइल करियर, मगर एक 25 साल की लड़की एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं और सिर्फ अपनी काबिलियत पे वो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर बनने के बाद में फर्स्ट यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनती हैं, और फिर उसके बाद में वो पहली दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, और उससे सबसे बड़ी बात है कि वो कभी जताती नहीं है कि महिला के मैं वो मने, उनकी पूरी जिंदगी एक महिला सशक्तिकरण की मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगी, लेकिन वो कभी इस चीज़ का प्रोपेगेंडा नहीं करती हैं। तो इस तरह की महान स्त्री, इस तरह की महान प्रतिनिधि हमारे लिए एक हमको भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या लड़ने के एक ही तरीके हैं, क्या लड़ाई सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, तलवार ढाल या बंदूकों से, या लड़ने के और भी कई तरीके हैं। जैसे प्रसून सर ने एक बहुत ही अच्छी कविता से जो जिस तरह से वृक्ष को बताया कि उसी तरह से ये प्रेरणा देती है ये चीज़ें हमें, और मैं चाहती हूँ कि उनकी ये जो कहानी है और उनका ये जो संघर्ष है वो कि अपने आप में बहुत अनयूजुअल संघर्ष है, और उनकी जो उपलब्धियां है जहाँ पे उन्होंने जो मुकाम पाया एक ऐसे अनयूजुअल करियर में जो कि 99.9% मेल डोमिनेटेड है, इंडस्ट्री जो है वहाँ पे जयललिता जी ने खुद कहा था कि वुमेन इज एन इम्पॉर्टेंट कमोडिटी, यू कान डू विदाउट ग्लैमर, बट इन पॉलिटिक्स वुमेन आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सो ऐसे करियर में उन्होंने इतना ज़्यादा सक्सेसफुल अपना मुकाम पाया, तो ऐसी महान आत्मा को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, और हमारी तरफ से, पूरे देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। कंगना राणावत जी उत्कृष्ट अभिनेत्री इसलिए हैं कि वो असल जीवन में छिपी नाटकीयता का निरीक्षण कर पाती हैं और फिर उसे अपना रंग देकर। Now, being a successful counsel in High Court and Supreme Court makes one stand apart in society. लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि, वक्तृत्व और कर्मठता सबके बस की बात नहीं है। इस पर मिली परंपरागत परवरिश। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य में श्रीमती सुषमा स्वराज का एक अंश, उनकी सुपुत्री स्वयं उपस्थित हैं, सुश्री बांसुरी स्वराज। धन्यवाद हरीश जी। मैं यहाँ आए सभी कलाकारों की आभारी हूँ कि आज मैं आपके माध्यम से एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर अपनी माँ को याद कर सकती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ नेशन फर्स्ट कलेक्टिव, संस्कार भारती पूर्वोत्तर, संस्कृत ज्ञान न्यास, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने आज उपस्थित होकर अपनी बहन सुषमा स्वराज को याद किया और मेरा मनोबल प्रबल करा। माँ कृष्ण उपासिका थी, उनका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कार्य किया उसमें अपने आप को झोंक कर करा। सुषमा स्वराज ने अपने जीवन में इसी सिद्धांत का अनुसरण करा।
जो भी महकमा संभाला उसमें जन कल्याण के लिए बड़े से बड़े फैसले लिए। वो चाहे छोटी सी 13 दिन की अवधि थी जब वो पहली बार INB मिनिस्टर बनी तो उन्होंने ये फैसला लिया कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। जब वो दोबारा 1997 में चुनकर आई और दोबारा INB मिनिस्टर बनी तो उन्होंने ये फैसला लिया कि इंडस्ट्री का दर्जा फिल्म इंडस्ट्री को दिया जाना चाहिए और प्रसार भारती का गठन होना चाहिए। जब वो केवल एक वर्ष के लिए हेल्थ मिनिस्टर बनी तो उन्होंने डेटा मंगवाया कि दिल्ली के एम्स में पेशेंट्स की भीड़ सबसे ज्यादा किन राज्यों से आती है और वहां वहां 6 नए एम्स की स्थापना करने का निर्णय लिया। और जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनी तो संवेदना की प्रतिमूर्ति बनी। शी बिकेम कंपैशन पर्सोनिफाइड। ट्विटर के जरिए न जाने उन्होंने अनेकों लोगों की मदद करी। भारत में केवल 77 पासपोर्ट केंद्र थे और उनके कार्यकाल में 500 से ऊपर बने। वो कहती थी कि कृष्ण कृपा, प्रधानमंत्री मोदी का अटूट विश्वास, संघ के संस्कार, ये सभी उनका मार्गदर्शन करते हैं और इसीलिए वो निडर होकर अपने निर्णय ले सकती हैं और राजधर्म का पालन कर सकती हैं। सुषमा स्वराज ने रजकर जीवन जिया और प्रत्येक रोल को बखूबी निभाया। उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था और ज्यादातर संबंधों पर फिल्में देखना पसंद करती थी। सुभाष गई जी, आपकी परदेश फिल्म, मधुर भंडारकर जी और कंगना जी की फैशन फिल्म उन्हें बहुत पसंद थी और महेश भट्ट जी की फिल्म अर्थ उनकी सर्वप्रिय फिल्म थी। जिस भी स्वाभिमानी महिला का प्रस्तुतिकरण अगर किसी फिल्म में होता था तो उन्हें वो बहुत पसंद आता था। जैसे गुलजार साहब की इजाजत में जो किरदार रेखा जी ने निभाया, कंगना जी की मणिकर्ण का, या फिर माता शिवगामी का किरदार बाहुबली में उन्हें बहुत पसंद आया। फिल्मों के मामले में मैं उनकी शबरी थी। पहले मैं फिल्में देखती थी और अगर मुझे लगता था कि ये माँ को पसंद आएगा तो वो DVD मैं उनको लाके जरूर देती थी। विदेश मंत्री होने के कारण उनको लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी तो फ्लाइट में वो DVD जरूर देखती थी और फिर हम दोनों का आपस में आकर तबसरा जरूर होता था। हम माँ बेटी का एक मूवी प्लान हर मंथ का घर पर जरूर बनता था। रजाई में घुसकर मखाने या पॉपकॉर्न, जो भी मूड हो उस हिसाब से हम लोग एक फिल्म जरूर देखते थे। उरी एक ऐसी फिल्म है जो हमारे मूवी प्लान की आखिरी फिल्म थी। प्रसून जी ने बोला कि उनको कविताओं का बहुत शौक था। जी बिल्कुल, उन्हें म्यूजिक और कविताएं दोनों का बहुत शौक था और रोज रात को भोजन के बाद मेरे पापा YouTube पे चुनिंदा गाने जो है उन्हें सुनाते थे। गुमराह फिल्म आई थी जिसका एक गाना है, चलो एक बार फिर से हम अजनबी बन जाएं हम दोनों, ये उनको बहुत ज्यादा पसंद था। और आज अनूप जलोटा जी ने उनका सर्वप्रिय भजन इतनी शक्ति हमें देना दाता जब गाया, मेरी आंखें भर आईं। प्रसून जोशी जी, आपने उनको अपने गीत माँ जो तारे जमीन पर फिल्म का था उसे बहुत रुलाया और आप बिल्कुल सही कहते हैं, तुझे सब है पता है ना माँ, क्योंकि मेरी माँ को तो मेरे बारे में सब पता था, मेरी तो सुख दुख की साथिन थी। माँ की खूबी थी कि उन्होंने हर उम्र में मुझे अपने जीवन का भागीदार बनाया। मैं मात्र 2 बरस की थी, चुनाव कैंपेन क्या होता है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने बैठकर मुझे मेरे जीवन का पहला नारा सिखाया, कमल के फूल से भर दो पेटी, जीतेगी अंबाला की बेटी। जब भी कहीं प्रचार पे बाहर जाती थी तो मुझ 2 बरस की बच्ची से परमिशन जरूर लेती थी। एक बार लेट हो रही थी तो पापा ने बोला, अरे सुषमा तुम निकली नहीं अभी तक। मैं दूर बैठी खेल रही थी तो एकदम मुस्कुरा कर बोली, अरे मैं अपने बच्चे से पहले परमिशन तो ले लूं। मैं इतनी छोटी थी कि परमिशन शब्द अच्छे से उसका उच्चारण नहीं कर सकती थी तो मैंने दूर से ही खेलते खेलते कहा, हाँ दी परमिशन। उनके पूरे जीवन में मुझे उनसे केवल एक गिला शिकवा या शिकायत है कि 6 अगस्त 2019 को माँ तुम अपने बच्चे से जाने से पहले परमिशन लेना भूल गई। तुम्हारी खलिश हर वक्त सताती है। धन्यवाद। लेकिन बांसुरी जब
इतना धारा प्रवाह बोल रही थी तो एक विचार मन में कौंध गया कि ईश्वर न करे मुझे कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़े, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हुआ और मुझे पता चला कि मुद्दई ने बांसुरी जी को नियुक्त किया है अपना वकील, तो मैं तुरंत आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लूंगा। देवियों सज्जनों, किसी समाज किसी समुदाय का उचित आकलन होता है उसके लेखन से, उसके साहित्य से। आइए कुछ असाधारण साहित्यकारों लेखकों से सुषमा जी के बारे में उनके विचार सुने। सुषमा जी के इतने बड़े भव्य व्यक्तित्व को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। 1977 के हरियाणा विधान चुनाव में भारी मतों से चुनकर आए सदन की सबसे कम उम्र की विधायिका राज्य सरकार में श्रम मंत्री बनी। सुषमा जी आगे ही आगे बढ़ती गई। 31 अक्टूबर 1984 को वे भाजपा कार्यालय 11 अशोक रोड पार्टी की सदस्य बनने पहुंची थी। तब से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर ऐसी स्थिति बनी कि कोवर छोट कहते अपराध पंक्ति सार्थक होने लगी। पार्टी ने उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देने में कोताही नहीं बरती तो सुषमा जी ने अपनी बुद्धि विवेक मेहनत तथा मधुर स्वभाव से जहाँ पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं की प्रिय बन गई, वहीं अपना दायित्व भली भांति निभाती गई। राज्यसभा हो या लोकसभा, विषय की जानकारियों को अपनी वाक्पटुता में लपेटकर सदन को मौन साध कर सुनने का अवसर दे देती थी। सुषमा स्वराज के लिए राजनीति में क्या अपने क्या पराए, सभी दलों के लोग उन्हें स्नेह और सम्मान देते थे। मैं पहले से ही अपने उस बोझ से परेशान था और उतना बड़ा डब्बा देख करके सहज ही स्वाभाविक रूप से मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि मेरे पास तो वैसे ही बड़ा बोझ है। सुषमा जी ने मेरी ओर देखा और एक तरह से उस सारी स्थिति को संभालते हुए उन्होंने कहा, नरेंद्र जी, उपहार बोझ नहीं होता, वो सम्मान होता है। आपको ये उपहार दे रही हैं, आप इसको ग्रहण करें। उनका एक वाक्य ही मेरे लिए पर्याप्त था। मुझे लगा कि किस तरह से असावधानी में या कहिए अपनी चपलता में मेरे मुंह से इस तरह की बात निकल गई जो अपने देश में ही नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ तो विदेशी अतिथि भी थे और वो आपको सम्मानित कर रहे हैं और आप कहें कि मेरे पास तो पहले ही काफ़ी बोझ है। लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ सुषमा जी का, उन्होंने उस बात को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया और बात आगे कुछ चर्चा नहीं हुई। ये कहती थी, मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ, राजनेता के हिसाब से मुझे मत आंकिए। ठीक भी था, मैं स्वयं उस जीवन को जीती भी थी। 2005 में एक बड़ा कार्यक्रम हमने दिल्ली में किया था, उसमें मैं स्वयं मिजोराम की ड्रेस पहन के आई थी, नृत्य किया था, हेमा मालिनी जी को बुलाया स्टेज पर, अभी आई उनके साथ नृत्य किया, हमारी मिजोराम की मेघालय की जो महिलाएं थी कुछ थे उनके साथ नृत्य किया। एक वर्कशॉप हम कर रहे थे गुवाहाटी में, अनेक विषयों का वर्कशॉप था, तो हम उनसे परामर्श करने उनके घर पे गए, मैं और अमित चंद जी थे। तो उन्होंने परामर्श दिया कि विमल जी, आप शास्त्रीय कलाओं को भी अपने साथ उस वर्कशॉप में जोड़िए। अमित चंद जी ने कहा कि हम तो वहाँ की लोक कलाओं को प्रश्रय देना चाहते हैं और उसी का वर्कशॉप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, शास्त्रीय कलाओं का भी समावेश वहाँ होना चाहिए। मैंने उनकी इस बात को माना और उस वर्कशॉप में हमने सोनल जी को भी बुलाया ओडिसी सिखाने के लिए, उन्होंने और भी विधाओं का मार्गदर्शन किया जी। एक बहुत ऊंचे दर्जे की विदुषी भी थी, बार बार हम उन्हें जब देखते थे उनको सुनते थे तो लगता था कि कितना बड़ा ज्ञान का भंडार उनके भीतर छिपा हुआ है। मुझे याद है कि पिछले दिनों जगत गुरु शंकराचार्य जयंती जी सरस्वती के सानिध्य में स्टेज से एक भाषण कर रही थी, तो उन्होंने वो भाषण का शुभारंभ ही संस्कृत श्लोकों से किया, बहुत देर संस्कृत में बोली। शंकराचार्य जी गदगद थे, लगता ही नहीं था कि हम एक ऐसे व्यक्ति के पास आए हैं जिसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है और जिसको पूरा देश जानता है। वह
पे बिल्कुल एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से हम सबसे बात करती थी, अच्छा काम होने में शाबाशी देती थी और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती रही। आज उन्हें हम नमन करते हैं, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उनको स्मरण करना, सच कहूँ मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। वे बहुत दिनों तक हमारे साथ रहनी चाहिए थी, पर ईश्वर की जैसी इच्छा, सुषमा जी की स्मृति को नमन, उनके परिवार को नमस्कार। जब साहित्यकार अपनी लेखनी अपने पन्नों से बाहर आकर बात करते हैं तो वो अधिक सटीक होता है, वो एक तरह से उनके मन का सत्यापन होता है और हम तक अधिक पहुंचता है। और आपकी स्मरणांजलि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, अभिनेता हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनके विचार जन समुदाय को प्रभावित करते हैं, विशेषकर जब वो अपनी स्क्रिप्ट बोलते हैं। उन्होंने जब फॉरेन मिनिस्टर थी तो आपको तो पता ही है जिस तरह से उन्होंने लोगों को मदद की, दूर दूर मुल्कों में, देशों में रहने वाले लोगों को जब कोई समस्या आई, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, दुनिया जहान हो, पासपोर्ट संबंधित या उनके आने जाने की सहूलियतों के लिए या उनके मेडिकल टूरिज्म के लिए, यहाँ इलाज करवाने के लिए, शादी ब्याह के मामले में, हर मामले में आगे आई मानवता के साथ, और उन्होंने भरपूर सहयोग दिया और आज लोग उनको याद करते हैं, हम सब उनको याद करते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए, ऐसी हमारी सुषमा स्वराज। आज हम उनके पुण्यतिथि पे, उनको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना। फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, 51 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन सिनेमा वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंडस्ट्री बाय सुषमा जी, विच हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। We in India produce anything between 1500 to 2000 films a year. Our producers, small and genuine producers, were all in the shackles of a very cruel money lending system. This one declaration made available to all small producers and genuine producers loans from banks and financial institutions, freed them from the shackles of this cruel money lending system. Our workers in cinema were all unorganized. This declaration brought in momentous changes. Sushma ji envisaged many schemes for cine workers, skilled and unskilled, our production boys, suppliers, film unit camera boys, technicians, assistants in the makeup, costumes, art department, drivers. All these people began to get benefit from the central government grants and programs. बड़े ही भावुक मन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं उनके परिवार को अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करता हूँ और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि दीदी हमारे आसपास है। भारतीय जनता पार्टी को और इस देश को हमारी बड़ी दीदी यानी सुषमा स्वराज जी की कमी हमेशा खलती रहेगी। आज भी ऐसा ही लगता है कि वो हम लोगों के बीच से नहीं गई है, हमारे आसपास हैं। उनकी आत्मा हमें गाइड करती रहती है। बड़े स्पष्ट तरीके से बोलती थी, बहुत चुभने वाली बात भी और बहुत समझाने वाली बात भी बड़े सलीके से बोलती। सुषमा जी के अंदर जो एक आत्मीयता थी, जो एक एक देश की संस्कृति उनके चेहरे पर झलकती थी, लगता था कि हमारे देश की ये इंडिया की ही ये फॉरेन मिनिस्टर है, या जब मेरे साथ उनका ताल्लुक था तो वो देश की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी। आई ट्रूली बिलीव दैट सुषमा स्वराज जी वॉज वन ऑफ द अमेजिंग मोस्ट अमेजिंग आइडल्स फॉर ऑल अस वीमेन अक्रॉस इंडिया एंड इवन ग्लोबली। नॉट ओनली वॉज शी अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, बट शी वॉज एन अमेजिंग मदर टू हर डॉटर एंड ऑल्सो टू एनी वन दैट शी टुक अंडर हर विंग्स।
Today, on her death anniversary, I pay my tribute because it is thanks to her that she gave our film industry the status of, in fact, being an industry. Both education and economic independence are important, but political empowerment is a higher form of empowerment. These were the words of the great Ms. Sushma Swaraj. Remembering her today on her first death anniversary and all the immense contributions she has given towards women empowerment and a better nation. Rajniti aur jeevan darshan ka koi khas gyan to nahi hai mujhe, phir bhi swargiya Sushma Swaraj ji ko agar yaad karte hain to I think if I may define her briefly, she was probably a perfect embodiment of womanhood, of leadership, and patriotism. Thank you. दोस्तों, अगर आप एक साथ कई जगह होना चाहते हैं, if you want to be at several places at the same time, well, you can't, unless you are Priyadarshan Soman Nair. Otherwise, how can you make 96 films in one lifetime, writing, producing, directing, and even chairing international film festivals, and well, sometimes sleeping. आपको प्रियदर्शन तेंदुलकर भी कहा जाता है, क्योंकि अव्वल तो क्रिकेटर बनते बनते फिल्म मेकर बने और 96 फिल्मों के निर्देशन के बाद बस एक बाउंड्री की जरूरत है. सुषमा जी के निधन से आघात तो उन्हें भी पहुंचा था. देवियों सज्जनों, प्रियदर्शन जी तथा अन्य लेखक निर्देशक. रिमेम्बरिंग श्रीमती सुषमा स्वराज इज अ वेरी पेनफुल फीलिंग बिकॉज शी लेफ्ट अस वेरी अर्ली, बट हर कमिटमेंट टू द डेमोक्रेसी एंड हर कंपैशन हैज मेड हर इमॉर्टल इन द माइंड ऑफ मिलियंस इन इंडिया. Whatever posting she has shared all through her life has actually benefited her countrymen a lot. Being an MNB minister, she actually facelifted the cultural activities of India a lot through her policies. Her policies were always very encouraging and effective. We as a film fraternity are very much obliged to her. We have a lot of gratitude to her for making and giving us the status of an industry. Also, modifying the intellectual property rights and helping a lot of creative people. As we all know, was a great political leader of our country who grew up from the grassroots level with a very strong patriotic and nationalistic commitment. Till the last day of her life, she had shown how committed she was. Throughout, she was one leader every Indian would like to be proud of. She was one of the rarest politicians who was also a very strong humanist. Generally, we don't get to see this combination in a person, that is politics and humanity. But Sushma ji was an exception. And another time actually that we are very touched that the some patients from the neighboring countries, including Pakistan, and they wanted to come to India for medical treatment. And she had gone out of her way to issue special medical visas. हम हिंदी फिल्म लेखक और जो गीतकार हैं, करीब 30,000 लोग हैं. हम पर सुषमा जी का बहुत बड़ा उपकार है. हम उनके सदा ऋणी रहेंगे, क्योंकि जिस अधिकार के लिए हम लोग 50 साल से लड़ रहे हैं, कॉपीराइट बिल में अमेंडमेंट करने के लिए, ताकि हम लेखकों और गीतकारों को उनके काम पे रॉयल्टी का हक मिल सके. आखिर में सन 2012 में ये कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल पास हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में 21 जून 2012 को, जो पहली बार फिल्म लेखकों और गीतकारों को रॉयल्टी का हक देता है. और ऐसा हक जो उनके मरने के
60 साल बाद तक उनके परिवार को मिलता रहेगा, और ऐसा हक जो न कोई हमसे छीन सकता है, न हम किसी को किसी के दबाव में आके किसी को दे सकते हैं। भी अगर कहे तो अगर मुझे कोई कहे कि आज की मदर इंडिया, आज की इंडिया की मदर इंडिया की तस्वीर अगर आपको लगानी हो तो किसकी लगाएंगे, तो मैं बेझिझक ये कहूँगा, मैं बेझिझक ये कहूँगा सुषमा स्वराज, क्योंकि वो सॉफ्ट भी दिखती है तो वो नो नॉनसेंस भी दिखती है, वो माँ भी दिखती है तो वो टीचर भी दिखती है, वो मॉडर्न भी दिखती है तो वो ट्रेडिशनल भी दिखती है। मुझे मेरा सौभाग्य है कि मेरी उनसे एक मुलाकात हुई थी हमारे कॉपीराइट एक्ट के दरमियान। उस वक्त वो विपक्ष की नेता थीं, और जब हम एक डेलीगेशन लेके जावेद साहब के साथ हम लोग उनसे मिलने गए तो जिस तरह से उन्होंने बातें की, मुझे उस दिन लगा कि इनके दिल में साहित्य के लिए, लेखकों के लिए, तमाम लोगों के लिए कितनी वेदना है और कितनी संवेदना है। उन्होंने हमारी बात सुनी और जावेद साहब से उन्होंने कहा कि जावेद साहब, इस मुहिम में चूंकि मैं विपक्ष की नेता हूं, मगर मेरा पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ है, और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसमें विलंब हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूं। मैं वर्तमान सरकार जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे भी अनुरोध करूंगी कि इस बिल को जितनी जल्दी से जल्दी हो पास किया जाए। दिव्य सज्जनों, फिल्म निर्माता जितने विशाल पटल की फिल्में बनाएं, उन्हें शासन से सहयोग की उतनी ही अधिक अपेक्षा होती है। ये कटु सत्य आदरणीय सुषमा जी विपक्ष में बैठे हुए भी और शासन में भी भली भांति समझती थी, और साथ साथ फिल्म उद्योग को उसका उत्तरदायित्व भी याद दिलाती रहती थी। वरिष्ठ निर्माता निर्देशक, मनोरंजन के गुरुवर, शोबिज के बाजीगर श्री सुभाष गही से बेहतर कौन बता सकता है। श्री सुभाष गही, आप सबको मेरा नमस्कार, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं संस्कार भारती को और बांसुरी जी को जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। सुषमा जी के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मैं अपने भारत के बारे में सोचता हूं। भारत में वुमेन क्या है? माँ, बहन, बेटी और भागीदार, पार्टनर। सुषमा जी पीर पराई जाने ने इसमें सब सम्मिलित हो गया। दूसरे का दुख जो जानता है वही मनुष्य है, और वो सुषमा जी थी। उन्होंने कितने कितने रोल्स किए हैं सुषमा जी ने, कृष्ण भक्त रहकर, कर्म योगिनी रहकर, एक रियल मदर का, प्रोफाउंड पॉलिटिशियंस, सुपर ओरेटर, पोएट, सिंगर, ह्यूमनिस्ट, नेशनलिस्ट, वुमेन, ए ग्रेट डॉटर ऑफ इंडिया, कोई रोल उन्होंने छोड़ा ही नहीं। मैं समझता हूँ उनकी इमेज मैं जब भी याद रखता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली भी उनको बहुत बार मिला और बहुत सुना भी मैंने उनको, उनकी स्पीचेस बहुत सुनी मैंने, हमेशा मैं प्रभावित रहा उनकी सत्यता से, उनकी स्पष्टता से, उनके विचारों से। मैं जब भी उनको समझता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे इमेज जो है, मेरे माइंड में जो आती है, अगर माइथोलॉजी के बारे में बात करें तो हमारे जो वुमेन थी, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, सीता, राधा, महादेवी, पार्वती, अगर हम अपने हिस्ट्री की बात करें तो सावित्रीबाई फूले, रानी लक्ष्मीबाई, पास्ट की बात करें सरोजनी नायडू जी, जस्टिस एना चैंडी, विजय लक्ष्मी पंडित, और आज प्राइड ऑफ इंडिया की बात करें, आज की वुमेन को देखिए, मैरी कॉम इन बॉक्सिंग, हिमा दास इन एथलीट, अवानी चांदी एयरफोर्स, गीता गोपीनाथ जी IMF, किरण मजुमदार माइकॉन टेक्नोलॉजी, इंदिरा, यानी अनगिनत अनगिनत, किशोरी मनकर क्लासिकल सिंगर्स। हमारे खुद के सिनेमे में आप देखिए वुमेन ने कितना अच्छा रोल किया है, नाम ही नहीं मैं तो गिन सकता। आज के नाम भी मैं अगर गिनूं तो मुझे आज के समय में भी हमारी जो एक स्ट्रांग वुमेन मुझे नजर आती है,
कंगना जी यहाँ बैठी हुई हैं, आलिया भट्ट हैं, शबाना आजमी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, विद्या बालन हैं, और नाम ही नाम है। आज भी हमारे भारतीय चित्रों में जो एक वुमेन को एक मान दिया गया है और वुमेन को सब बताया गया है फिल्मों में, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रेरणा है उन 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 स्त्रियों की, उन नारियों की जो भारत की बेटियां रही हैं। और सबसे बड़ी बड़ी बेटियों में से, जो प्रधान बेटियों में से मैं कहूँगा भारत की, वो सुषमा जी रही हैं। उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में तो सब बात कर चुके हैं, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, कॉपीराइट इश्यू हो, आर्टिस्ट हो, एक्सटर्नल मिनिस्टर हो, लेकिन उनका जो एक कथन जो था वो विश्वास थी, क्योंकि उनकी जो थीम थी हर चीज की मैं देखता था, चाहे एज ए पॉलिटिशियन, चाहे एज ए ऑरेटर, चाहे एज ए सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, कोई कभी दुखी ना हो, ये उनका एक सार था। कोई कभी, जब ये संवेदना आपके मनुष्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति आती है, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो सत्य के बहुत समीप है और उसे हम कभी नहीं भूल सकते। सुषमा जी को तो मैं कहूँगा शत शत प्रणाम, हैट्स ऑफ टू डॉटर ऑफ इंडिया सुषमा जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर सुभाष जी, आज दुनिया को पता चला कि अ शोमैन कैन बी सो सेंसिटिव। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, आशीर्वचन केवल संत महंत ही नहीं कहते, वो कर्मठ सार्वजनिक सेवक भी करते हैं, जिन्हें हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमारे मंत्री जी, हमारे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो हमारे चाहे किस उम्र के हों पिता समान हैं, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। ये बहुत ही भावभीना ऐसा पूरा कार्यक्रम रहा, मैंने मेरी भावनाएं जब आपने पहली बार कहा था तो व्यक्त की है। बांसुरी जी की बात सुन के मुझे उनके और पारिवारिक यादें ताजा उठी, और ऐसे समय जैसा आपने कहा है कि बोलने के बजाय भावांजलि दे और हम ओम शांति का पाठ करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि। बिल्कुल सही कहा मंत्री जी आपने कि हम शांति से भावांजलि दें, बल्कि जब ऐसा व्यक्ति चला जाता है तो हमें फिर से गीता जी के उस श्लोक में विश्वास करने को की उत्कट इच्छा होती है कि आत्मा केवल परमात्मा में विलीन हुई है, वो कहीं गई नहीं है, हम उन्हें नहीं देख पाते, वो हमें देख पाती हैं। इसलिए हम भावांजलि दें। मैं केवल कहूंगा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद यंत्यापो, न शोषयति मारुतः। और अंत में देवियों सज्जनों, गायक गायिकाएं शब्दों को सुरों में ढालते हैं तो वो गायन बन जाता है। कुछ गायिका गाती हैं तो गायन से कविता का सृजन होता है, पर जब कविता गाती हैं तो वो गायन यादगार हो जाता है, दुनिया उसे गुनगुनाती है, और अगर वो गायन राष्ट्र को समर्पित हो तो वो सीमा चिन्ह बन जाता है। उत्कृष्ट गायिका पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति। नमस्कार, माय प्रणाम्स एंड श्रद्धांजलि टू सुषमा जी, अ ग्रेट मिनिस्टर, अ ग्रेट पार्लियामेंटेरियन, एंड फॉर मी शी एपिटमाइज्ड एंड सिंबलाइज्ड ऑल द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ इंडियन वुमनहुड। और ये जो मैं गीत कर्मा का गा रही हूँ, मेरा कर्मात्म मेरा धर्मात्म, इस गाने के शब्द मुझे ऐसे लगते हैं कि सुषमा जी सिंबलाइजेस द वर्ड्स ऑफ दिस सॉन्ग। सो हियर आर अ फ्यू लाइंस ऑफ दिस सॉन्ग व्हिच आई सैंग फॉर कर्मा। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्म।
वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। आज की सुषमांजलि का समापन सुषमा जी की प्रिय भाषा संस्कृत में। गीता जी के एक श्लोक में निहित है वो भेंट जो मानवता के लिए सुषमा जी छोड़ गए। यत यत आचरत श्रेष्ठ तत तत एव इतरह जनः, सयत प्रमाणम कुरुते लोकः तत अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है अन्य व्यक्ति ऐसा अनुकरण करते हैं। वो जो स्तर स्थापित करता है मनुष्य समुदाय उसी तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। आशा करते हैं कि हम सब गुणग्राही बने। आज के इस अनुष्ठान के लिए आप महानुभावों का एवं उपस्थित समुदाय का शतशत धन्यवाद। विशेष रूप से NFC उसके सक्रिय सदस्य संस्कार भारती पूर्वोत्तर एवं संस्कृति गंगा न्यास तथा सर्वोपरि मार्गदर्शक श्री अमीर चंद जी। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।